नमस्कार, मैं हूं अमनी चौधरी और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। ट्राइसिटी के इस खबरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ शुरुआत करते हैं और रूबरू कराएंगे आज आपको कुछ अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर बीजेपी की चुनावी राह आसान करने की कोशिश तो की, लेकिन किसान संगठन जल्दी मोर्चा खत्म करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। किसानों ने शर्तों की नई लिस्ट तैयार की है और आज बैठक भी कर रहे हैं, यानी सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर के गेट आसानी से खुल जाएंगे ये मुमकिन नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उम्मीद तो यही रही होगी कि कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही आंदोलन की घर वापसी भी हो जाएगी, किसान घरों को लौट जाएंगे, खेती गृहस्थी को अपने कामकाज में जुट जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसी के साथ आपको बता दें कि किसानों के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि MSP की लिखित गारंटी एक मुद्दा है जो अभी भी बना हुआ है। इसी के साथ टिकैत ने मिशन यूपी की बात करते हुए कहा है कि मिशन यूपी यूं ही चलता रहेगा और 22 नवंबर को लखनऊ में पंचायत होगी, जिसमें किसानों के खिलाफ जो कार्टून बनाए गए थे और उनके खिलाफ जो अप शब्दों का प्रयोग किया गया था, पंचायत में ये अहम मुद्दे रखे जाएंगे। चलिए रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की याद में बनाया जाएगा स्मारक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुपर्व के मौके पर 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है, जिसके बाद पंजाब की राजनीति में हलचल मच गई है। अभी तक किसानों के मुद्दे को भुना रही पंजाब की कांग्रेस सरकार ने भी तुरंत ही एक बड़ा दांव खेल दिया है। CM चरणजीत चन्नी ने ऐलान किया है कि किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 700 किसानों की याद में एक स्मारक बनाया जाएगा। CM ने कहा है कि आजादी के बाद अगर कोई बड़ा संघर्ष हुआ है तो वह कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन रहा है, जिसने देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया। इसलिए किसान आंदोलन के नाम पर राज्य में स्मारक स्थापित होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 3 कृषि कानून रद्द करने संबंधी केंद्र सरकार के फैसले को देर से लिया गया लेकिन स्वागत योग्य कदम करार दिया है। मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला पहले लिया होता तो कई लोगों की कीमती जान बचाई जा सकती थी। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अक्सर पाकिस्तान को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। पंजाब कांग्रेस सचिव नवजोत सिंह सिद्धू आज पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गए हैं। वहां पहुंचकर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि इमरान खान मेरे बड़े भाई हैं। इस बात पर बीजेपी ने नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को हिंदू में ISIS के बोको हराम दिखता है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान में बड़ा भाईजान दिखता है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का यह एक बड़ा डिजाइन है, पैटर्न है। सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर और रसिद अलवी हिंदुत्व को गाली देते हैं और हिंदू जाकर इमरान की महिमा गाते हैं, ये सब एक पैटर्न है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महबूब कुरैशी ने एक बयान जारी किया है कि हिंदुत्व एक वैश्विक खतरा है, ये बयान राहुल के बयान को आगे बढ़ाने का काम है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के विषय को इमरान खान आगे बढ़ा रहे हैं। आज सिद्धू ने जो इमरान को बड़ा भाई कहा है वो निश्चित रूप से राहुल गांधी के कहने पर कहा है, ये सारे तार जुड़े हुए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं चंडीगढ़ की लोकल खबरों की। स्वच्छ सर्वेक्षण में चंडीगढ़ का इस बार बेहद ही खराब प्रदर्शन रहा है। आपको बता दें इस स्वच्छ सर्वेक्षण में इस बार चंडीगढ़ 22 रैंक के नीचे गिरा है। पंचकुला को भी जोरदार झटका लगा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का परिणाम आज घोषित किया गया है। इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण में चंडीगढ़ का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण में चंडीगढ़ का ऑल ओवर 38 रैंक रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 22 अंक पिछड़ा है। बीते साल की रैंकिंग की बात करें तो चंडीगढ़ 16 नंबर पीछे है। चंडीगढ़ ने इस बार कुल 40,772 स्कोर किया है। वही चंडीगढ़ के साथ सटे पड़ोसी शहर पंचकुला की भी रैंकिंग गिरी है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के परिणाम में पंचकुला का रिजल्ट पिछले वर्ष से कुछ खराब रहा है। पंचकुला 99वें स्थान पर पहुंच गया है। केंद्रीय हाउसिंग एवं अर्बन अफेयर्स की तरफ से साल 2020 में जारी रैंकिंग में पंचकुला 56वें स्थान पर पहुंच गया था। चंडीगढ़ नगर निगम के सभी दावे फेल साबित हुए। नगर निगम स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग की अब की बार सुधार के दावे कर रहा था। इस बार 80% सूखा और गीला कचरा को सेग्रीगेशन करने का दावा किया गया था। प्रतिदिन 500 टन कचरा निकलता है, लेकिन गार्बेज प्लांट में प्रतिदिन 100 टन कचरा ही मुश्किल से प्रशस्त हो पाता है, इसलिए लगातार डंपिंग ग्राउंड में कचरे का पहाड़ बढ़ता जा रहा है। चलिए बात करते हैं आखिरी खबर की। चंडीगढ़ में सड़क की तरफ टमाटर 10 रुपये महंगा होकर 90 रुपये प्रति किलो पहुंचा दाम। चंडीगढ़ में सब्जियों के दाम आम जनता की पहुंच से परे हो चुके हैं। इन दिनों टमाटर के रेट 7वें आसमान पर है। टमाटर सड़क की ओर बढ़ रहा है। चंडीगढ़ में टमाटर 90 से 100 रुपये किलो
बिक रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिल रही है। रोजाना सब्जियों और फलों के दाम बढ़ रहे हैं। सब्जियों के महंगे दाम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ रहे हैं। मार्केट कमेटी की ओर से रोजाना फलों और सब्जियों के रेट निर्धारित किए जाते हैं, जो बाद में शहर की मंडियों में बिकने वाली सब्जियों पर भी लागू होते हैं। ऐसे में आप शहर में कहीं से भी सब्जियां और फल खरीद रहे हो तो आपको इसी दाम पर मिलेगी। टमाटर का रेट 90 से 100 रुपए किलो पहुंच गया है, जबकि मटर का रेट कुछ कम हो गया है। ऐसे ही कुछ अहम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए अर्थ प्रकाश टीवी से। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।